कोशिश कर रहे हैं कि बच के निकल लें। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इतने खतरनाक माहौल में कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं उस बच्चिया से मिलने जो कमल फॉस्टर कर रहा है, जो कि कर्मा ने डिलीवर की थी। तो हम पहुंचे हैं कमल भाई के घर पे, जहाँ पे वो बच्चिया फॉस्टर हो रही है। कर्मा, अगर आपको याद होगी, वो हमारी फार्म पे थी, वो रेत से आई हुई थी, उसको पैर पे जख्म था। वो ठीक तो हो गई थी, पर वो प्रेग्नेंट भी थी, तो 9 महीने से ऊपर हो गया था, पर उसने अभी तक बेबी डिलीवर नहीं किया था। परसों सुबह कर्मा ने फाइनली बेबी डिलीवर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दूसरे दिन कर्मा की डेथ हो गई। तो अब क्योंकि इस बच्चिया के पास माँ नहीं थी और मॉनसून आ गए, इतनी बारिश है, तो हम उस बच्चिया को बहुत देर तक फार्म में नहीं रख सकते थे, इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमारे ही टीम के मेंबर है कमल भाई, कमल भाई आगे आए और इन्होंने बोला कि बच्चिया को वो फॉस्टर करेंगे। तो ये प्यारी सी बच्ची इनके घर पे है। तो कल रात को ये सो गई थी यहाँ पे आराम से? आराम से नहीं सोई थी, यहाँ पे मैं बेड पे सो रहा था, मैं इसे बेड पे लेके इसलिए नहीं सो रहा था, छोटा बेड है और ये गिर सकती थी, इसलिए इसे नीचे रख रहा था। पर नीचे रख रहा था तो ये रो रही थी, तो मैं भी इसके साथ नीचे सोया कुछ टाइम। फिर 2 बजे रात को ये मेरे ऊपर चढ़ी, फिर इसने पोटी की, मैंने कहा बदबू कहाँ से आ रही है, देन फिर इसे साफ किया, फिर क्लीन करके फिर आराम से हम सोए। आप एक बच्चिया फॉस्टर कर रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से, एक जॉब से हटके कुछ अलग करना, और वो भी एक गुड वर्क के अंदर आए हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी बहुत अच्छा रहा। और कल कसम से मैं इतना खुश लाइफ में नहीं हुआ जितना कल से हूँ अभी तक। तुम इसे कुछ बुलाते हो प्यार से? सुरीली, सुरीली, सुरीली। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग सुरीली जी। सुरीली, प्यारी बच्ची, थोड़ा सा आ गया हो। रॉबिन अभी तक इससे नहीं मिले, क्योंकि यूजुअली क्या है ना कि रॉबिन जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और बिन माँ के जो बछड़े होते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स नहीं बच पाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रॉबिन सुरीली से अभी मिलने के लिए कतरा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बेटी जी ना थोड़ी सी जेलस हो रही है इससे, ऐसे क्योंकि अब इससे अटेंशन मिलेगी उसे लग रहा है। टोफू भी सेम चीज करती है, वो जब कोई और अटेंशन देखती है ना, कोई और काफ को जा रही है, वो आ जाती है तुरंत हमारे पास, कहते हैं हटो इसे छोड़ो। सुरीली मुझे शायद पसंद करने लगी है 1 मिनट के अंदर ही, ऐसे लग रहा है मुझे। That is a lie, but okay. बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, कोई भी ऐसे इंसान आजू बाजू दिख के तुरंत पास आके बैठ जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे देख के उसे। जनरली नहीं तो बाकी को रास्ते पे जानवर जो रहते हैं जनरली इंसानों को देखने के बाद दूर भाग जाते हैं, कहीं कोई मार ना दे, हमेशा डर के अंदर रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पे थोड़ा सेफ महसूस कर रही है। सुरीली तो फुल ऑन किसेस दे रही है चैतन्या को, डॉक्टर गुलशन के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली है ये। चार्ली बहुत शर्मीला किस्म का म्यूल है, ये मिलना चाह रहा है, और कमल ट्राई कर रहा है इनकी इंट्रोडक्शन की, कि सुरीली की इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन चार्ली शर्मा रहा है। चार्ली क्या हुआ? कह रही है पर ये इग्नोर कर रहा है। प्यारी बच्ची देख के शर्मा गए, अरे ऐसे कैसे चलेगा। आपको जैसे पहले पता है कि राधा दीदी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती है जब मैं कैमरा लेके यहाँ पे आती हूँ, लेकिन क्योंकि सुरीली यहाँ पे है तो राधा दीदी रुक नहीं सकी। अभिलाष भैया को भी इससे प्यार हो गया है। अच्छा कमल, आप इसकी फीडिंग का क्या करते हो, आप पिलाते क्या हो, खिलाते क्या हो इसको? इसका सिर्फ दूध और थोड़ा सा पानी और उसमें नारियल का तेल मिक्स करके पिला रहे हैं दिन में 4 बार। अच्छा, जो अभी जो आप फीड कर रहे हो, क्या माँ का जो दूध है? गाय का दूध है, किसी और गाय का, अब वो भी थोड़ा वियर्ड होता है, बट क्या करें। खैर वियर्ड तो क्या, मतलब गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, चलो कोई और बछड़ा भी पी रहा है, चलो ये भी अच्छा है, शेयरिंग इज केयरिंग। वैसे तो सुरीली बहुत प्यारी है, बहुत, पर छोटी बहुत है, अभी कुछ दिनों की हुई है ये, और इसकी माँ नहीं है, तो सबसे बड़ी टेंशन इसकी यही है कि सर्वाइव करेगी कि नहीं अपनी माँ के बिना, क्योंकि जो अर्ली न्यूट्रिशन है वो उसको अपनी माँ से ही मिलता है, जो कि इसको नहीं मिल पाया पूरा। तो अभी अच्छी बात ये है कमल इसको फॉस्टर कर रहा है, और कमल फॉस्टर कर रहा है तो उसके जो इन्फेक्शन है यहाँ पे जो बाकी अन्य है वो प्रिवेंट हो जाएगा थोड़ा सा। बेसिकली सुरीली के साथ वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि मैं एक तो इसको आप सभी के साथ, कहाँ जा रही हूँ बेटू, इधर आओ, कि इसको आप सभी के साथ एक तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, ओए थैंक यू। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये जो एक सुरीली अपडेट वीडियो हम इसे बोल सकते हैं, तो आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं
और मैं आपको फिर रेगुलरली सुरीली के अपडेट्स देती रहूँगी, वो कैसे बढ़ रही है उसको आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या क्या कारनामे करने वाली है आप वो देख सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।